हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सारजी ट्यूशन के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है क्योंकि वहाँ पे ये 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और नीट एग्जाम के लिए भी जरूरी है। ठीक है, सो ये जो टेस्ट क्रॉस है या हम कहें आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डिफाइन क्या है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा क्यों जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके लिए हम इसे पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि टेस्ट क्रॉस को करा क्यों जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस कितने तरीके के होते हैं। सो टेस्ट क्रॉस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के यानी चैप्टर 5 के नोट्स चाहिए या फिर बाकी किसी और चैप्टर के नोट्स चाहिए क्लास 12th बायोलॉजी के, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और नोट्स का पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है। क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो देखिए, टेस्ट क्रॉस को हम समझते हैं कि ये होता क्या है कि एक इंडिविजुअल या हम कहें एक पेरेंट जिसका जीनोटाइप अननोन है। अननोन मतलब कि फिनोटाइप हमें पता है कि कोई प्लांट टॉल है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको पेन के थ्रू समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई जो पेरेंट है वो टॉल है, कोई इंडिविजुअल जो है वो टॉल है। ठीक है, अब टॉल में बेसिकली हमें पता है कि 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो होमोजाइगस टॉल होगा, ठीक है, मीन्स कैपिटल टी होगा, या फिर वो हेटरोजाइगस डोमिनेंट होगा, मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। सो देखिए, यहाँ पे हमें फिनोटाइप तो पता है लेकिन जीनोटाइप नहीं पता कि वो होमोजाइगस है या फिर हेटरोजाइगस है। तो ऐसे इंडिविजुअल का क्रॉस कराना रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट मतलब जो होमोजाइगस स्मॉल टी होगा, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट के साथ, उसके साथ उसका क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस इज यूज टू टेस्ट वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेस्ट क्रॉस कराया जाता है ताकि हम पता लगा सके कि वो जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है या फिर हेटरोजाइगस है। ठीक है, और इसी चीज की वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे चेक करते हैं कि होमोजाइगस है इंडिविजुअल या हेटरोजाइगस है, यानी टेस्ट कर रहे हैं, सो इसी वजह से ये जो क्रॉस होता है उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस हम करते कैसे हैं। सो देखिए, यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या करा, एक ये हमारा क्या है, रिसेसिव पेरेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिसेसिव पेरेंट है। ठीक है, अब रिसेसिव पेरेंट में मैंने यहाँ पे जो बेसिकली हमने जो यहाँ पे कैरेक्टर लिया है वो है फ्लावर का कलर। तो अगर ये रिसेसिव है तो जो फ्लावर का कलर होगा वो होगा वाइट। ठीक है, क्या होगा, वाइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है एनसीईआरटी में भी दिया गया, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो पेरेंट क्या है, वाइट है, क्योंकि वो रिसेसिव है। सेम थिंग हमने यहाँ पे ली कि ये हमने क्या करा, रिसेसिव पेरेंट ले लिया। अब ये भी रिसेसिव पेरेंट है तो मीन्स ये भी किस कलर का है, वाइट कलर का है। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक फ्लावर लिया। ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि ये हेटरोजाइगस डोमिनेंट है या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, और इस फ्लावर का जो कलर है वो कैसा है, वायोलेट है। ठीक है, तो देखिए ये वायोलेट है तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये जो भी है डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट है, क्यों, क्योंकि जो रिसेसिव होते हैं वो सिर्फ होमोजाइगस पे ही अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन ये वायोलेट है तो यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता, डोमिनेंट होमोजाइगस हो सकता है, या फिर डोमिनेंट हेटरोजाइगस हो सकता है। सो सबसे पहले हमने क्या करा, एक कंडीशन मानी कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, तो हमने इसे क्रॉस करवाया किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ जो कलर में वाइट था। तो हमने जब यहाँ पे क्रॉस करवाया तो हमें जो रिजल्ट मिला उसमें हमें पता चला कि जितने भी फ्लावर हमारे आए वो वॉयलेट है। कैसे हैं, वॉयलेट है, मीन्स सारे ही क्या हैं, एक तरीके से डोमिनेंट है। ठीक है, सो इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो अननोन फ्लावर है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, मीन्स वो क्या है,
कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यानी हेट्रोजाइगस होता और तब हम इसे रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस कराते, तो यहाँ पे जो हमें 50% फ्लावर मिलते वो वायलेट होते और जो 50% फ्लावर हमें मिलते वो वाइट होते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:1 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो फ्लावर है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। चाहे फिर आप उसका कोई भी करेक्टर ले लीजिए, चाहे टॉलनेस ले लीजिए, चाहे सीड का कलर ले लीजिए, चाहे पोड शेप ले लीजिए, ठीक है, आप कोई भी चीज ले लीजिए, उसमें हमारा क्या अर्थ रहेगा कि अगर रेशियो हमारा 1:1 आता है तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, और अगर रेशियो बिल्कुल 100% आता है जीनोटाइपिक तो वो हमारा बेसिकली क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये दो कंक्लूजन यहाँ से हमारे आते हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स की, कि टेस्ट क्रॉस होते कितने तरीके के हैं। ये दो तरीके के होते हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया वो था, और डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। सो लेकिन अभी हम इसे पढ़ लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज डील विद द सिंगल ट्रेट एंड गिव FN फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 i.e. 50% ईच। तो जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है वो डील करता है सिंगल ट्रेट के साथ, मींस कि एक ही ट्रेट का डिफरेंस हो दो प्लांट्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पहली जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो आता है 1:1, ठीक है। 1:1 मीन्स 50% जो हमारे आए वो वाइट आए और जो 50% आए वो वायलेट आए, ठीक है। तो रेशियो हमारा क्या हो गया, 1:1। फिर हम बात करते हैं डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की। ये उन क्रॉस टेस्ट क्रॉस के साथ डील करता है जिनमें दो ट्रेड्स अपोजिट होते हैं, ठीक है, एंड गिव F1 फिनोटाइपिक रेशियो। और जो F1 यानी पहली जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो थे वो 1:1:1:1 का हो, यानी जितने भी वहां पे जनरेशन बनेंगी उनमें 25% पॉसिबिलिटीज होगी कि वो वायलेट हो, या फिर 25% पॉसिबिलिटी होगी कि वो कैसे हो, वायलेट हो या फिर वाइट हो, ठीक है। लेकिन वहां पे एक दूसरा करेक्टर भी इंट्रोड्यूस होगा, तो वहां पे वो इंट्रोड्यूस उस चीज को भी हम आगे मेजर करेंगे। लेकिन अभी हमने डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पढ़ा नहीं है, तो इसे आप सिंपली याद रखिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, यानी 25% ईच। और जब हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको इसे दोबारा से समझाऊंगा। सो आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मेंडल के द्वारा दिए गए लॉस के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि उनमें से कौन सा लॉ यूनिवर्सल है, कौन सा नहीं है, और उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो लॉ जो है यूनिवर्सल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।